अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल इंतहा की हद हो गई है, कितना इंतजार कर करके दोस्तों काफी थक चुके हैं। तो दोस्तों आज कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों के उठा रहे हैं हम, जो सभी बच्चे हमसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी बच्चों का होता है दोस्तों कि कितना और इंतजार करना पड़ेगा। तो बात हो रही थी कि कब एक दिन में ऑर्डर आ जाएगा, दो दिन में आ जाएगा, तीन दिन में आ जाएगा, लेकिन आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया। आज 28 फरवरी हो चुकी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, और आज से आपका फरवरी का महीना भी खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज भी ऑर्डर नहीं आया, तो मतलब इतना लंबा समय क्यों खींचा गया दोस्तों, आपका ऑर्डर क्यों रिलीज नहीं किया गया, ये बहुत ही बड़े क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब उम्मीद है कि इस भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद ही संपन्न की जाएगी दोस्तों, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है कि चुनाव से पहले क्या पॉसिबल है। तो उसका सवाल का आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है आज, बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। जी हाँ दोस्तों, सरकार बिल्कुल एक बड़ा फैसला ले सकती है। आपका चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, और आपको एक याद रखिए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो गई है। तो दोस्तों वैसे ही आप लोगों की भी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द आरंभ की जा सकती है। चुनाव का माहौल है, चुनाव से पहले आप लोग को नौकरी देना सरकार का लक्ष्य था, और ये होगा भी दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग वोट उन्हीं को देंगे जो जिनके हक में सरकार काम करेगी। अगर सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं की तो उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को जल्द से जल्द नौकरी देने का प्रावधान आए, ठीक है। आप लोग का दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या था, चुनाव से पहले भर्ती संभव है या नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी बच्चों का होगा इस समय कि चुनाव से पहले हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट का दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देते हैं कि अगर दोस्तों हम मानते कि आपका रिजल्ट 5 मार्च, 6 मार्च, 10 मार्च या जब भी आता है, ठीक है, अगर उस समय किसी भी तरह इत्तेफाक के जो भी कि आचार संहिता नहीं लागू रही, अगर उससे पहले आप लोग का दोस्तों फॉर्म आ गया, जैसे 68,500 का फॉर्म कल से आ रहा है, ठीक है, जिससे मतलब आपका जिला चूज करने के लिए जो भी आएगा, अगर तब तक आ जाता है तो दोस्तों आपकी भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी। अगर कुछ नहीं आया तो डेफिनेटली रुक जाएगी, लेकिन सरकार एक पॉजिटिव फीडबैक लेके आपका काम तेजी से करा सकती है। फिर से हम ये बात कहेंगे कि उनको भी चुनाव का टाइम है, तो वो कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी सरकार, और आप लोगों को नौकरी दे के आपका भी फायदा करेगी दोस्तों, और देश का भी फायदा होगा, देश का भविष्य ही है दोस्तों आप लोग से, तो फायदा इसी हिसाब से होगा। और फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कब तक आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों आप लोग रिजल्ट की काफ़ी लोग मैसेजेस आ रहे थे, सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, तो उनको हम पहले बताना चाहेंगे, पहले तो आपका रिवाइज आंसर किया आएगा, ठीक है, तो उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। देखिए एक ही याद रखिए, रिवाइज आंसर की और रिजल्ट एक दिन में ही आ सकता है, मतलब हो सकता है सुबह रिवाइज आंसर किया है और शाम तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाए, ठीक है, लेकिन ये काम बहुत तेजी से होगा दोस्तों इस बार, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगला प्रश्न, कितने नंबर बढ़ेंगे, ये सभी बच्चों के क्वेश्चन थे जिनके 89 नंबर हैं या 96 नंबर जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो जो बच्चे एक या दो अंक से फेल हो रहे हैं तो उनका सभी बच्चों के ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर कितने नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, जो देखिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि कितने नंबर बढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी भी पेपर में, ना तो उससे ज़्यादा बढ़ाए जा सकते, मतलब आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 5 नंबर ही बढ़ सकते हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चन गलत रहे हों। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 142 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए गए हैं, इसका ऐसा मतलब नहीं होगा कि किसी बच्चे का 142 नंबर बढ़ जाएगा अगर उसके 0 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही आप लोग के ऑब्जेक्शन जो किए गए हैं काफ़ी गलत ऑब्जेक्शन थे, बस इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की कुछ बच्चों की चाल थी जो कि संपन्न नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, लेकिन 5 नंबर तक ऐसे दोस्तों बन सकते हैं। अगर 5 नंबर में कैसे नंबर बढ़ सकते हैं कि किसी में कॉमन दो दो विकल्प सही कर दिया जाए कोई ना कोई तरीके से, लेकिन 5 से ज़्यादा दोस्तों उम्मीद मत करिएगा कि 5 नंबर से ज़्यादा आपके बढ़ेंगे। तो 5 वो भी बहुत रेयर कंडीशन में दोस्तों बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर पेपर में ये होता है एक या दो नंबर बढ़ाए जाते हैं क्या दो क्वेश्चन पर, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं दोस्तों 5 से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर हर एक वीडियो का, सभी वीडियो का लक्ष्य यही होता है कि किसकी होगी जीत, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट का, किसकी होगी जीत।
तो दोस्तों एक ही याद रखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि हम सरकार के साथ है तो क्या सरकार की जीत होगी, सरकार आपके साथ 65 के साथ है। तो दोस्तों देख लीजिए, याद रखिए, सरकार जिसके टीम में होगी तो जीत तो उसी की होगी क्योंकि सरकार कैप्टन है आपकी। लेकिन सरकार के पास क्या पावर होती है आप लोगों को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक और हमने आपको बताया था, सरकार अपनी फुल पावर का यूज नहीं करती। तो अगर 60-65 के विरुद्ध फैसला आता है तो आपके पास खाली एक अधिकार होगा, डबल बेंच का, ठीक है। तो और कोई अधिकार नहीं है फिलहाल, तो डबल बेंच आपको जरूर जाएंगे। तो दोस्तों और मुद्दों पर बात करेंगे, चलिए जो होगा देखा जाएगा। तो कौन है जिम्मेदार इस देरी का, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों आज की डेट का। तो इस देरी का जिम्मेदार दोस्तों आप किसको ठहराना चाहेंगे, देखिए इस देरी का सही जिम्मेदार वो है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं दोस्तों जिन्होंने आपकी नोटिफिकेशन जारी करने में थोड़ी सी गड़बड़ की या जो भी समझ सकते हैं कि उन्होंने उस समय अगर बोल देते कट ऑफ 60-65 रहेगी तो ये विवादी ना होता कभी, और आज अब तक हो सकता है आप लोग ज्वाइनिंग पा चुके होते और आप लोग नौकरी कर रहे होते हैं। खाली बस उन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिख देना था कि आपकी कट ऑफ जहाँ लिखा था कोई कट ऑफ नहीं है, वहाँ कट ऑफ आ जाती 60 और 65। तो अब तक हो सकता था कि 69,000 बच्चे नौकरी पा के आराम से नौकरी कर रहे होते। लेकिन दोस्तों यही होती है ना सरकारी, इसीलिए दोस्तों मोदी जी जो आए आ रहे हैं आपके, वो इसीलिए सरकारी नौकरी को ख़त्म करना चाहते हैं। मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि सरकारी जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो उनसे यही गलतियां अधिकतर होती हैं। दोस्तों बड़ी बात ये है ना यहाँ पर कि गलतियां वो करें और भुगते हम, मतलब सभी बच्चे हैं, 4 लाख से अधिक बच्चे खाली रोज इसी इंतजार में आते हैं कि आज फैसला आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, सुबह आएगा, शाम आएगा। यहाँ तक लोग रात के 12 बजे 2 बजे रात सर्च करते हैं दोस्तों, 2-2 बजे रात ये बात होती है मैसेजेस से कि सर फैसला कब आएगा, मतलब इतने परेशान हैं बच्चे। और अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कोई बयान नहीं आता, ये सब लापरवाही और कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब अगला सवाल देखते हैं कि अभी क्या है सबसे ज़रूरी, देश या नौकरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है और वो है अपना देश। इस समय देश थोड़ी सी, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो इस समय देश से बढ़कर दोस्तों कुछ भी नहीं है आज की डेट में। नौकरी सभी बच्चे ये कह रहे थे कि सर इस समय पहले अपना देश है उसके बाद नौकरी है। कुछ बच्चे तो दोस्तों हम तो ये भी कह रहे थे सरकार हमें 69,000 की जगह इंडियन आर्मी में दे दे तो हम जाके कम से कम कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी को मार के उनको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन ऐसी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा इंतजार करेंगे दोस्तों, नौकरी मिल जाएगी। और आप लोग बिल्कुल भी अग्रेसिव ना होइए, नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों इस समय एक और याद रखने वाली बात है, तो आप लोग हर तरह से कहीं पर भी हो तो अपने देश का सपोर्ट करें और जितना भी हो सके देश के लिए कुछ। इस समय मौका है, आज मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि हर एक व्यक्ति देश का अपना एक जवान है, आर्मी है, हर व्यक्ति को तैयार रहना है, कभी भी कुछ भी हो तो उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े। मतलब आपको अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में रखना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान था अपने देश के प्रधानमंत्री जी का। तो एक अगली बात देखेंगे दोस्तों कि शिक्षक भर्ती बच्चों की आवाज़ कोई न्यूज चैनल क्यों नहीं उठाता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। जहां 4-4 लाख बच्चे बैठे उनकी आवाज़ कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल क्यों नहीं उठाता। जो आपको दोस्तों पता होगा कि कुछ दिल्ली में JNU जो भी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर कुछ भी लड़के थोड़ा सा स्ट्राइक कर देते हैं, कोई छोटी सी भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो पूरे न्यूज़ चैनल पर पूरे इंडिया में दिखाया जाता है। लेकिन यह 4 लाख बच्चे रोज़ जाके स्ट्राइक करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनकी बात कोई न्यूज़ चैनल क्यों नहीं उठाता। दोस्तों सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि हम यूपी के आते हैं और यूपी वालों की आवाज़ जल्दी कोई नहीं उठाता, यही अंतर होता है दोस्तों दिल्ली में रहने का और एक यूपी में। तो जो बच्चे हम यूपी के खुद भी हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाता, नहीं तो ये फैसला बहुत ही जल्द हो जाता जो इतना टाइम लग रहा है। बस ये एक न्यूज़ चैनल वालों की भी लापरवाही आप कह सकते हैं, उन्होंने आपकी बात को उस सही तरीके से नहीं उठाई। क्योंकि दोस्तों होता है कि अगर कोई न्यूज़ चैनल वाली आपकी बात उठाते, समझिए पहले इस बात को, तो वो होता क्या है पूरे देश में हाईलाइट होता है, तो जिससे सरकार की बदनामी होती है कि हाँ यार ये सरकार तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो आने वाले भविष्य के हैं, जो मतलब आप लोग देश का भविष्य हैं दोस्तों, एक याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ सही नहीं होगा आप लोग को जाके धरना देना पड़ेगा, इससे बड़ी क्या बताए दोस्तों, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अपने देश के जो टीचर बनेंगे उनको धरना देने की ज़रूरत पड़े। तो इससे बेकार स्थिति में अपना देश नहीं हो सकता है, जैसा कि अभी दिख रहा है कि सभी टीचर जाके
धरना दे रहे हैं, कोई 60-65 के लिए दे रहा, कोई 40-45 के लिए दे रहा, कोई 50-55 के लिए दे रहा दोस्तों। तो ये अपने हक में है या नहीं आप लोग खुद सोचिएगा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ चैनल, बड़ा न्यूज़ चैनल आपकी बात को उठाता तो आप लोग एक मजबूत, अब तक 101% दोस्तों आप लोग को नौकरी लग जाती, क्योंकि आप लोग को पता होता है कि कहीं पर भी बड़े कॉलेजेस में होते हैं जो दिल्ली साइड्स के होते हैं या जो बड़े सिटीज़ के होते हैं, वहाँ पर छोटा सा भी मैटर होता तो दोस्तों सरकारें चली जाती, मनाने जाती, सरकार सामने से जाती उनके पास कि हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है, हम आपके साथ हैं। और यहाँ ऐसा होता है दोस्तों कि लाठियाँ चलती किसी के ऊपर, सब बच्चे परेशान होते हैं, घर से भूखे निकलना पड़ता है, इलाहाबाद कभी लखनऊ, काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलिए छोड़ते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगली सरकार बनने में शिक्षक भर्ती का क्या योगदान होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगला चुनाव जो आ रहा है उसमें शिक्षक भर्ती के बच्चों का क्या योगदान होने वाला है। क्या आप 4 लाख बच्चे क्या है वोट देंगे कि नहीं देंगे, किसी को देंगे ना, तो मतलब आप 4 लाख बच्चों को वोट किसके फेवर में जा रहा है। 4 लाख का मतलब आप समझिए दोस्तों, पहले मैथ सबको आती है, हमको भी आती है, आपको भी आती है, समझ जाइए 4 लाख ये परिवार है ना कि 4 लाख बच्चे हैं, ठीक है 4 लाख फैमिली से परिवार। कितने वोट बैंक है दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि 4 लाख परिवार के वोट्स कैसे बनते हैं। हर एक में मान लेते हैं एक परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता 2 भाई बहन, ठीक है मैक्सिमम 5 सदस्य मानते हैं एक परिवार में। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, एक परिवार में 5 सदस्य मतलब 4 लाख गुणे 5, 4 लाख के गुणे 5 से करेंगे दोस्तों संख्या बनती 20 लाख। देखिए दोस्तों कहीं पर भी पॉलिटिक्स होती तो कैसे होती है, हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते। तो ये 20 लाख परिवार है दोस्तों, अगर कोई भी चाहता पॉलिटिशियन आपसे मिलता आगे तो वो सीधे 4 लाख बच्चों पर 20 लाख लोगों पर फोकस करता। उसके बाद क्या, आपके सभी रिश्तेदार होते हैं, चाचा चाची नाना नानी जो भी, मामा मामी सभी लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं एक परिवार में 10 लोग मेंबरशिप हैं, ठीक है चाचा चाची लोग को मिला के, तो 20 लाख का गुणा होगा दोस्तों अब 10 से, सिर्फ सीधे किससे गुणा होगा दोस्तों 10 से, तो मतलब होगी आपकी संख्या आ गई 2 करोड़, ठीक है। अब सदस्य की संख्या होगी दोस्तों 2 करोड़, और उसके बाद क्या होगा, उनके भी थोड़े बहुत रिश्तेदार होंगे, 5 के रिश्तेदार उनका भी, तो 2 करोड़ गुणे 5 कर देंगे हम दोस्तों। देखिए ये संख्या कैसे बढ़ती जा रही है, अब आपकी संख्या होगी 10 करोड़। तो दोस्तों ये 10 करोड़ वोट कहाँ जाने वाले, आप लोग इसको समझिए। आप लोग को लग रहा था अभी आप लोग सिर्फ 4 लाख लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप लोग को लगने लगा कि अब आप लोग 10 करोड़ हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर किसी को भी पॉलिटिक्स अच्छे से समझ होगी तो अच्छे से करता और आप लोगों के जरिए वो सरकार बनाता। दोस्तों याद होगा जो शिक्षा मित्र भाई बहन थे हमारे, आज से कुछ साल पहले जब चुनाव हुआ था तो जब उनकी संख्या थी लगभग 1,75,000 थी ना, कुछ ऐसी इतनी संख्या थी, याद है कि नहीं दोस्तों आप लोग को। तो उनको आश्वासन दिया गया कि जैसे ही अगली सरकार आएगी आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और याद रखिए दोस्तों जिस सरकार ने कहा था कि शिक्षा मित्रों के दम पर कि आप लोग को परमानेंट करेंगे, और वही सरकार जीती भी। और दोस्तों याद करिए कि 2 लाख शिक्षा मित्र मिलके आज एक पूरी सरकार बनाए थे, तो आज आप लोग की संख्या 4 लाख हो गई है। तो आप लोग जिसके भी तरफ जाएंगे दोस्तों लिख के ले लीजिए सरकार उसी की बनेगी। अब बस अब आपका सपोर्ट जिसके भी साथ हो तो आप लोग को सही वोट देना है, जिसको आप मन करें उसको वोट दीजिए आप लोग। हम किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप लोग दोस्तों देश के हक के लिए वोट करेंगे, और आप लोग समझ सकते हैं कि आपके साथ जो भी गलत करेगा उसका सही नहीं होगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों के सवाल थे आज उसी का हमने आंसर किया, फिर बात होती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।